हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर एस टेक। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो कि 5G रहने वाला है। इंडिया में काफ़ी फ़ोन्स 5G वेरिएंट में आ चुके हैं, बट सैमसंग गैलेक्सी ने एक नया फ़ोन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम सैमसंग गैलेक्सी F42 रहने वाला है। ये एक 5G फ़ोन है, इसकी बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो सो गाइस, वीडियो के एंड बात करते हैं इसके मॉडल की। तो मॉडल सैमसंग गैलेक्सी F42 दिया गया है। और बात करते हैं इसके सिम स्लॉट की, तो इसमें ड्यूल सिम का सपोर्ट दिया गया है। आगे हम चलते हैं इसके एंड्रॉयड वर्जन की तरफ। तो एंड्रॉयड 10 दिया गया है। आगे हम बात करते हैं इसकी बॉडी की, तो बॉडी का वेट 191 ग्राम रह गया है। सैमसंग गैलेक्सी के स्मार्टफोन के बारे में और जानते हैं कि इसके कलर, इसमें 3 वेरिएंट में कलर दिए गए हैं। एक तो फैशन ब्लैक है, फैशन ब्लू और फैशन ग्रीन। और बॉडी की बात करते हैं तो इसमें तो फ्रंट साइज में ग्लास बॉडी है और बैक साइड में प्लास्टिक बॉडी है और फ्रेम इसकी प्लास्टिक की दी गई है। बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो स्क्रीन साइज इसमें 6.4 इंच की दी गई है और ये स्क्रीन टाइप है सुपर एमोलेड डिस्प्ले। इस स्मार्टफोन की खासियत है कि ये 5G सपोर्टेबल फ़ोन रहने वाला है। सैमसंग का गैलेक्सी F42 एक 5G वेरिएंट में फ़ोन आएगा। और भी आगे हम जान लेते हैं इसमें रैम क्या रहने वाली है, रोम क्या रहने वाली है। तो बता देता हूँ कि इसमें रैम 8 GB की रहने वाली है और रोम 128 GB 256 GB की इसमें स्टोरेज रहने वाला है। बात करते हैं इसके कैमरा क्वालिटी और कैमरा फीचर्स के बारे में। तो इसमें कैमरे, ट्रिपल कैमरे का यूज़ किया गया है, एक 64 MP, एक 8 MP, एक 5 MP और विद LED फ्लैश। और इसमें फीचर्स की बात करें तो HDR और प्रोमो दोनों फीचर्स अवेलेबल है। बात करते हैं वीडियो क्वालिटी, तो वीडियो क्वालिटी इसमें 4K में आप वीडियो शूट कर सकते हैं। बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरे की, तो इसमें 32 MP F/2.0 26mm वाइड एंगल लेंस के साथ दिया गया है। बात करते हैं इसके CPU की, तो इसमें ऑक्टा कोर का CPU दिया गया है। चिपसेट की बात करते हैं सर, Exynos 990 चिपसेट दिया गया है। बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप और टाइप की, तो इसमें लीप ऑन की बैटरी दी गई है जो 6000 mAh की बैटरी दी गई है। और बात करते हैं इसे ऑडियो जैक इसमें है। और सेंसर की बात करते हैं तो इसमें फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले रहने वाला है। बात करते हैं इसमें USB पोर्ट के बारे में, तो USB पोर्ट माइक्रो USB 2.0 का यूज़ किया गया है। और इसमें बात करते हैं ब्लूटूथ की, तो ब्लूटूथ इसमें 5.0